सबको राम राम। सबसे पहले आप लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्या हो गया है आज तो देख के आप लोगों को मेरी जो भी थकान थी वो सब पूरी चली गई। मैं थकी इसलिए थी, मैंने कहा कि ये मेरी 169वीं मीटिंग है और 13,382 किलोमीटर अब पूरे अपन चल चुके हैं। तब थक गए थे, सोच रहे थे कि भाई अभी दो दिन और बाकी बचते हैं, पर आप लोगों की जिस संख्या में आप लोगों ने आके यहाँ हम सब के हौसला अफजाई की है उसको देख के मेरी तो थकान दूर हो गई। तो इसीलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी माताएं बहने आप लोगों के भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी लेट और आप लोगों ने रुक के इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद दूंगी मैं मानती हूँ कि वो कमी रहेगा। आप सबको भी हमको आपने अपने प्यार का एक कर्जदार बना दिया है और मैं समझती हूँ कि अगर जितना भी काम करूँगी ये प्यार के कर्ज को नहीं आसानी से उतार पाऊंगी। कोशिश मेरी यही होगी कि सेवा करके इसको उतारूं और आप लोगों का बस हाथ और प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ये बना रहे, मैं समझती हूँ कि सब हो जाएगा। हम लोग मिलके इस राजस्थान को विकसित बनाने का काम करेंगे, ये विश्वास लेके आज आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ। यहाँ मंच के ऊपर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी मलिक, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और सांसद अर्जुन जी मेघवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत, पूर्व मंत्री नाम नारायण जी डूडी और सावरलाल जी जाट और जनार्दन सिंह जी गहलोत और पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई और पुष्प जी जैन, हमारे विधायक कमसा जी मेघवाल और विट्ठल जी अवस्थी, पूर्व सांसद नारायण सिंह जी मानिकलाव, पूर्व विधायक बने सिंह जी और नारायण सिंह जी बेड़ा, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, श्री भैराराम जी, पूर्व जिला प्रमुख अमिता चौधरी, जिला अध्यक्ष हमारे गजे सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम जी डागा और कार्यक्रम के अध्यक्ष रामलाल जी ओझा, ये सब मंच पर यहाँ हैं। उनको सबसे पहले मैं बड़ी खुशी के साथ उनका सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और आप लोगों का साथ में स्वागत करते हुए अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं अब सातवें संभाग को पूरा करने पे आई हूँ, जोधपुर संभाग मेरा आखिरी संभाग, एक अलवर को छोड़ के, क्योंकि अलवर को मैंने उत्तराखंड की जब त्रासदी हुई थी तब अलवर को छोड़ दिया था, वो तीन दिन हमने उत्तराखंड को दिए थे और इसीलिए सब कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, बस वही एक डिस्ट्रिक्ट रह गया है जो डिस्ट्रिक्ट को मैं बाद में करूंगी। परंतु आज दो दिन के बाद हमारी ये यात्रा संपन्न होने जा रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इतनी कठिन यात्रा 50 डिग्री गर्मी से लेके यहाँ तक और रेगिस्तान से लेके पहाड़ों के अंदर से घूम के वापस फिर रेगिस्तान, इतना लंबा चक्कर हुआ है और पूरे राजस्थान का नक्शा एक दफा हम सबके सामने आ गया। मेरे को रास्ते में आज दिन भर लोग मिले, किसी ने पानी की समस्या कही, किसी ने टीचर की, किसी ने डॉक्टर की और किसी ने रोड की बात मेरे सामने कही। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो बात आज मेरे सामने रखी है उस बात में कोई फर्क नहीं है सातों संभाग में, जहां मैं गई हूं वहां लोगों ने वही बात उठाई है। तो मेरे दिल में यह लगने लगा कि कांग्रेस का 4.5 साल का राज रहा है और वो मूलभूत सुविधा सब लोग उससे वंचित है, तो 4.5 साल में किया तो क्या काम किया, कोई हमें यह तो समझाने की कोशिश करे। मैंने अभी आप लोगों की भी पता करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ओसिया के अंदर भी पेयजल की स्थिति बहुत ही खराब है, क्या यह सही है? सही है क्या? एक दिन छोड़कर एक दिन आधे घंटे के लिए पानी की सप्लाई होती है शहर के अंदर, यह है ओसिया की स्थिति। और लगे हो आप बिल्कुल जोधपुर से,
तो मैं ये कह रही हूं कि अगर आपकी ये स्थिति है तो सोच लो कि अंदर वाले लोगों की क्या हालत हो रही है। मोटर के बिना घरों के पानी पहुंचता ही नहीं है, आप लोगों को मोटर लगाने पड़ती है ताकि पानी पहुंचे। और उसके साथ साथ करीबन 350 करोड़ की हमने इंदिरा गांधी नहर से मीठा पानी लाने की योजना बनाई थी, परंतु इस सरकार ने उसको भी रोक दिया। अरे पैसा उनका नहीं, काम ही करना था, उस काम करने में भी आप नहीं कर सके, उसको भी रोकने का काम आपने कर दिया। इस सरकार ने 5 लाख घेवड़ा केराई योजना की घोषणा की, अरे योजना घोषणा की तो उसको पूरा ही कर देते, परंतु उस काम को भी पूरा नहीं कर सके, जहां था वहां उसको छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाई सब, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी संख्या में बैठे हुए, बिजली की क्या समस्या है? क्या आपको 8 घंटे जिस तरीके से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, 8 घंटे 3 फेज बिजली किसानों को आराम से मिलने का काम करेगी, मिल रहा है क्या? किसी को भी 3 फेज बिजली आराम से मिल रही है क्या? मेरे को ये बताया जाता है कि 3.5 घंटा मुश्किल से मिल रही है, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ, और बिना ट्रिपिंग के बिजली आती ही नहीं है, किसानों को घंटों ठहरना पड़ता है, दिन के अंदर पूरा समय ऐसे ही चला जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को नए कनेक्शन मिले हैं? मुझे मालूम है कि नए कनेक्शन मिलने थे, बीपीएल के लोगों को मिलने थे, परंतु फॉर्म भर दिए, पैसा भर दिया, सब कुछ करने के बाद भी किसी को नया कनेक्शन नहीं मिला है। बात करते हैं परंतु कनेक्शन देते नहीं, ये भी हमने देखने को मिला है। माता और बहनों के लिए मैंने अलग से लाइन निकाली, जो राजस्थान के इतिहास में पहली दफा हुआ है। आज दिन तक सिंगल फेज की लाइन कहां राजस्थान के अंदर नहीं हुई। आपके लिए निकाला कि आप लोग अपने घर के अंदर ठंडक रखें, आपका फ्रिज चले, आपका क्या कहते हैं कूलर चले, और गर्मी से आपके घर वाले जो उनको घर में ठंडक मिलेगा, और बच्चों की परीक्षा है तो आपको लड्डू मिलेगा, उसके नीचे आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। ये इंतजाम हमने आपको करके सिंगल फेज की बिजली आपको घर में पहुंचाने का काम किया। और मैं जानती हूं कि 2008 में जाते जाते मैं बार बार सब दूर टेलीफोन करके खुद चेक किए तो 18 से 20 घंटे बिजली आपको घरों के अंदर मिल रही थी माताएं बहने, और हमको 6 महीने और मिल जाते तो 24 घंटे बिजली आपको घर में ला के छोड़ने का काम मैंने संकल्पित करके करने का सोचा था। अब मैं आपको ये कह रही हूं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले 24 घंटे बिजली हमारी माताओं बहनों को घर के अंदर देने का काम करेगी, जो ये सरकार नहीं दे पाई। सब लोगों को मैंने ये कह दिया कि आज भी अघोषित कटौती चल रही, वोल्टेज में उतार चढ़ाव आ रहा है, नए घर वाली बिजली के कनेक्शन नहीं है, 1000 किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर किया, अपन को कुछ नहीं मिला है। और इसी तरीके से जिनके खेतों के अंदर कुएं और ट्यूबवेल पर कृषि कनेक्शन है, वहां घर बनाकर अगर वो रह रहे हैं तो वहां भी किसी को दिया नहीं जा रहा है। तो मैंने और भी पता किया तो पता हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे वर्ष में सिर्फ 75,000 कृषि कनेक्शन देने का मन था, आज उसमें से सिर्फ 13,000 कनेक्शन मिले हैं भाइयों। हम तो 2008 तक अपने पूरा कोटा लाखों की तादाद में लोगों को कनेक्शन देके छोड़ गए थे, और इनको 13,000 कनेक्शन भारी पड़ रहा है, 75,000 कनेक्शन देने में मुसीबत हो रही है। आज पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ 13,000 कनेक्शन इन लोगों ने दिए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव विद्युतीकृत करने थे, उसमें से सिर्फ 8 गांव को विद्युतीकृत करने का काम इन लोगों ने किया है। 8 गांव भाइयों, यह है राजस्थान की सरकार। और इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का काम होना था, दिए है सिर्फ 6,000 लोगों को। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार इस तरीके से काम करेगी तो इतना बड़ा प्रदेश राजस्थान, उसको किस तरीके से बिजली का इंतजाम होगा? ये क्या है, ये सरकार ना तो पानी दे पाई है और ना लोगों को बिजली दे पाई है, और दौड़ दौड़ के कहती है कि हम तो सब कुछ करने के लिए, और हमने पूरे आपकी तकदीर बदलने का काम राजस्थान के अंदर कर दिया है, वो सरासर झूठ है। यहाँ आपका अस्पताल, इस अस्पताल के अंदर 7 के स्थान पर सिर्फ 3 डॉक्टर है भाइयों, महिला और शिशु रोग विशेषज्ञ की यहाँ कमी है। जोधपुर संभाग का जिला मुख्यालयों को छोड़कर अधिकांश शहरी और ग्रामीण अस्पताल में महिला और शिशु रोग वाले है ही नहीं, एम्बुलेंस खराब है, 108 की सेवा जो है वो भी ठप है।
ये तो आपके डॉक्टरों की स्थिति है, और लिखते हैं जयपुर के अंदर कि आपको मुफ्त दवाई मिल रही है, आपको मुफ्त जांच हो रहा है। भैया कितने लोगों को मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई मिल रही है, कोई हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो, मिल रही है क्या? किसी को मिली है क्या? किसी को नहीं मिली है। और ये सब बोलने वाली बातें हैं, क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है इनको क्या मालूम, ये जयपुर से नीचे तो उतरते ही नहीं। अगर मैंने सुराज संकल्प यात्रा नहीं निकाली होती तो आपको लगता है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली? आपको लगता है कि संदेश यात्रा निकलती? तो आपको सबको मालूम है कि यहां निकलने की जरूरत नहीं थी, परंतु क्योंकि सुराज संकल्प यात्रा निकली है इसलिए हमको आपको भी संदेश यात्रा निकालना पड़ा। और मुझे समझ में नहीं आता, अगर संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, अगर मेरे पास ये सब खबर आ जाती है, क्या मुख्यमंत्री के पास ये खबर नहीं आती है? क्या ये गांव की तकदीर को नहीं बदल सकते हैं? एक मौका था परंतु बदल नहीं पा रहे हैं। अब बताओ मुझे आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्या स्थिति है? छात्र छात्राओं के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 50% से कम शिक्षक है। ओसिया के राजकीय महाविद्यालय की मांग है और अधिकांश प्राइमरी स्कूल में एक या दो शिक्षक के भरोसे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की अगर ये हालत हो जाएगी तो कल को ये पढ़ लिख के कैसे बड़े होंगे? कॉलेज में जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? अगर लेक्चरर नहीं है तो कंपटीशन में ये बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? और अगर कंपटीशन में नहीं बैठेंगे तो रोजगार उनको कैसे मिलेगा? ये सब लोगों को सोचने की जरूरत है। अब मैंने सबको कह दिया कि आजकल इन लोगों ने टेट फंसाया है कि टेट अगर आ जाता है तो हमें नौकरी किसी को देने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा लोग सीधे जाएंगे कोर्ट में, वहीं जाके फंस जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हम क्या करें, हम तो नौकरी आपको देना चाहते थे परंतु आप टेट को पास नहीं कर सके और आपने टेट के खिलाफ ये कोर्ट के अंदर केस कर दिया, कोर्ट में आप जाके फंस गए हो। ये राजस्थान की सरकार की गलती नहीं है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन हम करेंगे और हमारे साथ बच्चों को जिस तरीके से 10 लाख नौकरियां अपने समय के अंदर हम लोगों ने दी थी सरकारी और गैर सरकारी, उस तरीके से आने वाले समय के अंदर आरपीएससी के द्वारा फिर से बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। उनको दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक दफा कर लिया है फिर करेंगे। भाइयों आज तो क्या ये 4 महीने के अंदर मेरे तो सब आंतड़ियां बाहर आ गई। ऐसे रोड मैंने राजस्थान के जो देखे हैं जिनके ऊपर मैं चली हूं, ऐसा हिलता है ये बस। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों ने आज तक किसी से क्यों नहीं शिकायत की है। जो रोड्स के ऊपर मैं चली हूं ऐसी हालत खराब है, रोड नहीं है गड्ढे ही गड्ढे हैं, और नहीं तो कहीं मिलता है तो रोड आगे आगे बन रही है पीछे पीछे खुल रही है। और किन्हीं लोगों ने कह दिया कि देखिए ये नया रोड बन गया है, बरसात आ जाएगी, बरसात के बाद आप इसी रोड पे आइए तो आप इसको पहचान नहीं पाओगे, ये हालत उसकी बन गई। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रोड कहीं भी, अंदर की रोड, बाहर की रोड, मेन रोड, सबके सब वही हालत में है। और बार बार लोग आते हैं मेरे पास और यही कहते हैं इनका कुछ कर लीजिए। किसान भाई आप यहाँ बैठे हो, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब पाला पड़ा था और ओला पड़ा था आप लोगों को मुआवजा मिला? आप लोगों के फसल बीमा आपको मिली? सही बताना, आपको फसल बीमा मिली? इनका कहना है कि आप लोगों को मुआवजे में कमी नहीं हुई, आप लोगों का बिजली में हम लोगों ने बिजली के जो बिल थे उनको कम कर दिया और साथ साथ आपको पैकेजेस दिए जिससे किसान का मुआवजा आराम से निकल जाएगा। क्या ये सही है? मिला किसी को? नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 1,50,000 का जो बिना ब्याज का कर्ज मिलना चाहिए था, क्या वो मिला आप लोगों को? या कोई बैठा है जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? किसी को नहीं मिला। बाजार में जरूर गया है ये और बाजार में बिका है और बाजार में भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ गया है ये भी वही गया है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये तो स्थिति है और इस स्थिति को हम लोगों को अगर ठीक करना है तो हम लोग किसान के लिए जब तक सही बिजली, सही पानी, सही बिजली, सही खाद और सही फसल के दाम अगर ये नहीं दे पाएंगे तो किसानों की वही हालत होगी जो आज महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर हो रही है, जहां लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान के अंदर कभी नहीं हुआ पर आज वो स्थिति राजस्थान के किसान के ऊपर भी मंडरा रही है। मैं बता कर रही थी तो मेरे को ये बताया कि इलाके के अंदर लहसुन की पैदावार बहुत अच्छी होती है, क्या ये सही है?
लेकिन भारत सरकार लहसुन को चीन से आयात कर रहा है और इसीलिए हमारे किसानों को लहसुन का वाजिब मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और इसीलिए भाइयों मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि पिछले साल तो आपको लहसुन फेंक देना था, आपने फेंक भी दिया, परंतु अभी सस्ता खरीदा जा रहा है और फिर खुदरे बाजार में उसको ऊंची कीमत में बेचा जाएगा। इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीज के ऊपर किसान को भी फायदा देने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। अब मैं बच्चों को यह कहना चाहूंगी कि बेरोजगारी का भत्ता भी आप लोगों के लिए मैंने इंतजाम किया था, मैंने कोशिश ये की थी कि आप लोगों को बेरोजगारी का भत्ता मिल जाए ताकि आपके माँ बाप के ऊपर आप लोग बोझ नहीं बने। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4 साल के लिए तो इसको बंद कर दिया, अब चुनाव आ गया है तो फिर से उसको खोलने का काम कर दिया। अरे अच्छी स्कीम थी तो पहले क्यों नहीं किया, 4 साल तक ये मिलता बच्चों को तो कितने सारे परिवारों को उसका फायदा मिल जाता। ये भी मैंने सब लोगों से पूछा तो बताया कि भैया ऐसे ही है, अब तो ये राजस्थान की सरकार जाग गई है क्योंकि हमारे को तो वोट लेने। राजस्थान में कर्मचारी पूरी तरह से आंदोलित है 11 तारीख से, वे भी इस समाज और इस सरकार के एक बहुत ही अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री से कम उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात पूछनी चाहिए, परंतु रास्ता कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं, उनको विश्वास में लेके बात करके तभी निकलेगा, ये मैं मानती हूँ। और ये जरूरी है कि उनके साथ भी बात करना जरूर करें। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रदेश में राज किया है उस प्रदेश को बर्बाद किया है। मैं आज उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि 65 साल निकल गए भाइयों और इस 65 साल में से 15 साल गुजरात को दिया। गुजरात ने कितना अच्छा काम किया है कि आज दुनिया के अंदर गुजरात का नाम हो गया है, ये 15 साल के अंदर हुआ है। और 10 साल में मध्य प्रदेश के अंदर पूरी देश के अंदर अपना नाम कमा लिया है। और हमने राजस्थान के अंदर 5 साल के भी अपना जो बीमारू प्रदेश था उस बीमारू प्रदेश की अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया कि नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बर्बाद करने की जब बात होती है किस तरीके से आबाद, वो क्या कहते हैं आबाद और खुशहाली का नाम क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज भ्रष्टाचार में देश में राजस्थान नंबर 1 है, अपराधों में देश के दूसरे नंबर पे हम राजस्थान के लोग हैं, महिला उत्पीड़न में देश में हम दूसरे नंबर पे हैं, महिला दुष्कर्म के मामलों में जयपुर देश में पहले नंबर पर है, और बच्चियों को कूड़े में फेंकने में राजस्थान देश में दूसरे नंबर में है, अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर है, सोने की चेन तोड़ने में जयपुर देश के पहले नंबर पर है, आदिवासी उत्पीड़न के अंदर देश में दूसरे नंबर पर हम है, और SC और ST अत्याचार में देश में नंबर 1 पे है। भाई और बहनों कितनी मजे की बात है, आज हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का काम इस सरकार ने किया है, हमको कलंकित किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे हैं कि अगर कहीं भी मुसीबत हुई है सबसे खराब सरकार आज राजस्थान है। उन्होंने कह दिया कि सबसे पिछड़ा दर्जा हमारे राजस्थान को हमने दिया है, सबसे नीचे विकास दर अगर है 5% तो वो राजस्थान के अंदर है। और आपने देख लिया कि अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारा जिला ये आखिरी जिला है, यहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई तो मुख्यमंत्री माफी मांगे क्योंकि उनने झूठ बोला है, कोई काम नहीं किया है, महिला के भामाशाह को वैसे की वैसे ही पड़े रहने दिया है, 20 घंटे बिजली वादा करके नहीं दिया है, युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता अब शुरू किया है, और राजस्थान में जो पानी का हक उनको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ एक काम किया है और वो सबके बीच में झगड़ा करना, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाना और एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा करके उनके वोटों को पाना, यही तरीका है राजस्थान में हमारे कांग्रेस वासियों का, जिन लोगों ने हम लोगों को इतना पिछड़ा छोड़ा है। अगर आपको संपन्न करके छोड़ेंगे तो भाइयों उनकी कदर ही नहीं होगी, उनकी पूछ ही नहीं होगी, वो चाहते ही नहीं है कि आप लोग संपन्न हो, वो चाहते हैं कि आप गरीब रहें। और मेरा आप लोग सबसे ये कहना है कि राजस्थान को अगर आप लोगों को बदलना है तो इसमें 36 के 36 को हम साथ मिले, इसमें सब मजहब एक साथ चले और सब लोग मिलके प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे तो विश्वास आपको सबको मैं दिलाती हूँ कि आने वाले समय के अंदर विकास होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा और राजस्थान को फिर से उस ऊंचाई के ऊपर पहुंचाने का हम लोग सब काम कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग उसको करने में तैयार हो क्योंकि आप 4 महीने बाकी है, इन 4 महीने के अंदर आप लोगों को सौगातें बांटने का काम चालू कर दिया है,
एक मंत्री अभी झालावाड़ गए, लैपटॉप बांटते बांटते पेट में नहीं रहा बात, उनने कह ही दिया अरे बच्चे ये तुमको लैपटॉप में दे रहा हूं, पर जब चुनाव का टाइम आएगा याद रखना बेटे, अपनी मम्मी और पापा को जरूर कह देना कि कांग्रेस को वोट देना है। बच्चों से कह रहे क्योंकि मजाक है। हमारे अभी विधानसभा अध्यक्ष ने, उनके पेट में नहीं रहा, उनने भी जोर जोर से अपने क्षेत्र के अंदर कह दिया कि जिस इलाके के अंदर हम लोगों को मिलेगा आपका अच्छा वोट मिलेगा वहां मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, और जिस बूथ के अंदर 100% वोट मिलेगा उस वोट को मैं 50 लाख रुपया दूंगा। या ऐसे तो रोज रोज आपको कहेंगे, परंतु मेरा ये कहना है कि भाइयों सब लोग ये तय कर ले कि हम लोगों को अगर राजस्थान बनाना है तो हाँ ये पैसा अपना है, इसको ले लो, इस पैसे को लो के अपना है, इस पैसे को इस्तेमाल करो, परंतु याद रखना कि जब समय आएगा वोट का, ऐसे टाइम में हम लोगों को इस समृद्ध राजस्थान का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, एक जोरदार तरीके से एक नए राजस्थान, एक खुशहाल राजस्थान, उसका सपना अपने सामने रखते हुए आगे चल के उसका काम करें। तो तैयार हो, सब तैयार है? इतना याद रखना कि अशोक गहलोत किसी को छोड़ता नहीं है। आप लोगों को सबको याद होगा कि वो सीडी प्रकरण और भवरी प्रकरण के साथ क्या हुआ, याद है? आप लोग सबको याद होगा कि अपने खिलाफ जो लोग हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है, वो आपने अच्छी तरह से अपने इस क्षेत्र के अंदर देखा है कि नहीं। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक सीडी के ऊपर तो आपने इतना सारा एक्शन ले लिया और 152 सीडी गए तो कहाँ गए? ये भी जवाब ये सरकार हमको देगी कि नहीं देगी? बार बार हमने पूछा है और आज दिन तक किसी ने हमें इसका जवाब नहीं दिया है। इसलिए भाई और बहनों, किसी से डरना नहीं है, किसी से अपनी हिम्मत पे आपने को लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए मैंने आप लोग सबको यहाँ कहा, इतने सारे तादाद में आप लोग यहाँ आए हो, सब पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, बस आशीर्वाद दो। लड़ने को तो हम तैयार हैं, परंतु आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई कुछ काम नहीं कर सकेंगे। तैयार हो? क्योंकि मुझे ये 5 महीने के लिए काम नहीं करना है। मैं सबको ये कह दिया कि ये हम लोग जो भी काम करने जा रहे हैं ये काम 5 साल के लिए काम करना है। तो आप 5 साल के लिए तैयार हो कि 5 महीने के लिए? नहीं, हम 5 साल के लिए तैयार हैं। तो अगर जोरदार अपने हाथ ऊपर करके और एक जोरदार नारा राजस्थान का मेरे को दो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, सब लोग मिलके, सब लोग मिलके आप लोग प्यार से यह तय कर लो, साथ मिलके चलना है और एक नया राजस्थान बनाना है।